हेलो डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हुमायूं डे प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जाएंगे नीट एआई पीएमटी के। और इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, पार्ट थर्ड है और लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और बाकी जितने भी हुमायूं डे प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोज हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फंक्शन कौन सा नहीं है? फर्स्ट है सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। रोंग, यही रोंग है और यही इसका आंसर भी होगा। ऑक्सीटोसिन सिक्रेट नहीं करता, एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, और रिमूवल करता है वेस्ट मटेरियल का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का एम्ब्रियो से। ठीक है, ये इसके फंक्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेलेक्ट द आंसर विच इज करेक्टली मैचेज द एंडोक्राइन ग्लैंड इट्स विद द हार्मोन इट सिक्रेट्स एंड फंक्शन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यानी कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, करेक्टली हमको बताना है। फर्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन, गलत है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन सिक्रेट करता है। फिर है एंटीरियर पिट्यूटरी और हार्मोन कह रहा है ऑक्सीटोसिन, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है और रिस्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और जो थर्ड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। फोर्थ है थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन और लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गाइट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है और फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। ओके, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, बिल्कुल सही। स्पर्म मस्ट बी कंसेंट्रेटेड इन द थिक सस्पेंशन, ये भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक था। थर्ड, स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा राइट आंसर है। फॉल्स हमको यही ढूंढना था। बाकी स्पर्म ज़्यादातर एल्केलाइन मीडियम के अंदर और एक्टिव होता है और पीएच के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो थर्ड इसका राइट आंसर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्टिस इन हुमेन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड स्कोटम, ऑल वी नो द पर्पज सर्व्ड इज फॉर, यानी किस कारण ये होता है, किस पर्पज के लिए होता है? तो ये होता है कि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है टेस्टिस को कम टेम्परेचर पर रखने के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट इसका ऑप्शन है कि मेंटेनिंग द स्कोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यही इसका राइट आंसर है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर सम रीजन द वेजा इफ्रेंसिया, तो यहाँ पे वी आएगा, क्वेश्चन मिस्टेक है, इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गेमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्ट। नॉट बी ट्रांसपोर्ट पूछा है कि वेजा इफ्रेंसिया यदि ब्लॉक हो जाए, तो सबसे पहले क्या होता है, रिटी टेस्टिस होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वेजा इफ्रेंसिया होता है, उसके बाद में क्या होता है, एपिडिडेमिस होता है, और लास्ट के अंदर होता है वेजा डिफ्रेंसिया। ठीक है, यदि कह रहा है कि वेजा इफ्रेंसिया ब्लॉक हो जाए तो स्पर्म कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएंगे, रिटी टेस्टिस से एपिडेमिस तक नहीं जाएंगे, यानी टेस्टिस से एपिडिडेमिस तक नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको लेबलिंग पहचानने है कि कौन सा इसके ऊपर परफेक्ट बैठता है, तो जो डी है ये यूट्रस है, ठीक है, और ए है यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, और बी यहाँ पे होता है मियोसिस, ठीक है, और सी है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोरूला, मोरूला के रिस्पेक्ट में इन ह्यूमंस करेक्ट है? ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जायगोट बट मच मोर डीएनए, सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, तो पार्चुरेशन का जो सिग्नल्स है वो प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फोइटस दोनों के द्वारा दिया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो चुका है, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, यानी फेलोपियन ट्यूब का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ओवरी के सबसे नजदीक है, एम्पुला स्टमस सर्विक्स, तो इसका राइट आंसर होगा इनफंडिबुलम, जो सबसे नजदीक होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, ह्यूमन स्पर्म के रिस्पेक्ट में करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है एक्रोसोम सर्व्ड नो पार्टिकुलर फंक्शन, ये रॉन्ग है क्योंकि एक्रोसोम के काफी फंक्शंस होते हैं, और एक्रोसोम हैज कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर पियर्सिंग द एग एंड रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कि द स्पर्म लाइसिन इन एक्रोसोम डिजोल्व द एग एनवेलप एंड फैसिलिएट फर्टिलाइजेशन, तो थर्ड बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, और यही इसका राइट आंसर भी होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।